देखिए बीम है आपका। बीम क्या होता है? देखिए समझिए क्या चीज़ें, इसको समझिए बड़ी बढ़िया चीज़ें बीम का अर्थ आप परिभाषा नहीं जानते होंगे। बीम क्या है? एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। बीम क्या है आपका? कोई भी थ्री डायमेंशन, अब आपके दिमाग बहुत सारा चीज आ गया होगा। थ्री डायमेंशन वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है, हाँ थ्री डायमेंशन। ये तो क्लियर हो गया कि जैसे ये है, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। कौन ये? हाँ थ्री डायमेंशन किसको बोलते हैं? हाँ तीनों मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक थ्री डायमेंशनल कर सकते हैं, तीनों चीज मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसका तीनों डायमेंशन सिग्निफिकेंट हो, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कि आप मतलब लेंथ भी आराम से मतलब सफिशियंट मेजर हो सकता है, ब्रेथ भी और हाइट भी, थिकनेस जो भी है, ठीक है ना। जिस तरह एक लाइन है, ये लाइन, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है, ये वन डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इसका आप सिर्फ लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इसका चौड़ाई मोटाई मेजरमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो बड़ा अजीब लगेगा सर, कर तो सकते हैं, वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कर लेंगे, कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये होता है कि लेंथ के कंपैरिजन में ब्रेथ और थिकनेस बहुत ही कम है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए सिर्फ बोला था इसको वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट जो थिकनेस है तीनों ही सिग्निफिकेंट है, तीनों ही मेजरमेंट कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसलिए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जनरली हॉरिजॉन्टल 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 इन डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन, ठीक है। जनरली क्या होता है? डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल होता है। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होगा, समझ रहे हैं, तो आप समझिए कि वो आपका क्या है? बीम है, बस आते वो थ्री डायमेंशन, क्लियर है। लेकिन ये है, अब कहेगा सर किस चीज का बना होता है? तो कंसिस्ट ऑफ आइदर कंक्रीट का हो सकता है, ठीक है, कंक्रीट का हो सकता है, टिम्बर, टिम्बर होता है लकड़ी को बोलते हैं, ठीक है, लकड़ी का भी बांस हो सकता है, सखुआ हो सकता है, टिम्बर बांस नहीं होता, ठीक है, बांस सबका ये तो बीम की तरह काम कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ चूंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं पता है इसीलिए, तो टिम्बर में कुछ भी चीज हो सकता है, आपको जो भी चीज लीजिए। तो वो चीज हो गया, जैसे मेन धरना सब होता है ना गाँव सब में, धरन बोलते हैं, तो वो सब आपका है टिम्बर है, मतलब लकड़ी का जो बना होता है उसको टिम्बर रख दीजिए, और स्टील सब का भी हो सकता है, क्लियर है। जैसे आप जंक्शन पे जाइएगा तो जो मेन मेन सब बना हुआ होता है, जिसमें दोनों साइड स्टेप्स दिया रहता है, ठीक है, तो वो सब आपका क्या है? स्टील का बना होता है। स्टील में क्या है? एंगल, एंगल है, चैनल है, समझ रहे हैं। तो ये सब आपका क्या कहलाता है? बीम कहलाता है। तो अब बात करते हैं, तो हम जानते हैं बीम क्या आपका हुआ, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बीम क्या है? बीम इज इन एक्चुअल एक्चुअल बीम इन इन बीम इज इन एक्चुअल ए थ्री डायमेंशन थ्री डी स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, अब एनालिसिस क्या होता है हम बता रहे हैं धीरे धीरे, आपको हालांकि पता भी होगा एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब बताते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है कि अब यहाँ चर्चा करेंगे, जो अननोन क्वांटिटी था, याद है बोले थे टाइप ऑफ सपोर्ट में, रोलर में एक अननोन है,
आपका पिन में दो अननोन है और फिक्स में तीन अननोन है, ये अननोन हुआ। तो अननोन क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट करना, प्राप्त करना, क्योंकि जो अननोन है उसको तो खोजते हैं हमारा, उसी को तो पता लगाते हैं, जो ऑलरेडी पता है उसको क्या पता लगाएंगे, नहीं समझे। तो अननोन क्वांटिटी को पता लगाना को ही हम लोग बोलते हैं एनालिसिस, क्लियर है। तो क्या क्या आप पता लगा सकते हैं, आर ए एक्स, आर ए वाई, मोमेंट अबाउट जेड, ये सब है ना, और इसके बाद थीटा कितना घूम रहा है, सो समझ। तो एनालिसिस का एक मीनिंग बताते हैं, एनालिसिस एनालिसिस किसको बोलते हैं, जिसका हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण। अब विश्लेषण का मतलब होता है जानकारियों की जानकारी को ढूंढना, जिस तरह आप साइल पढ़ चुके हैं सीव एनालिसिस, एनालिसिस वर्ड यहां चुका है सीव एनालिसिस, क्लियर है ना। फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस, वहां एनालिसिस आ गया, क्लियर है। फिर ये स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, आप जाते हैं सीबीसी टेस्ट करवाने के लिए, सीबीसी टेस्ट, सीबीसी टेस्ट मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, उसी में बताता है लिंफोसाइट कितना है, इसिनोफिल कितना है, समझे, प्लेटलेट्स कितना, ब्लड में जितना भी जो चीज है सारे चीज को बताता है, क्लियर है। इसी को बोलते हैं सीबीसी टेस्ट, डॉक्टर लिखे उसे पता चलता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, होमोग्लोबिन कितना है, समझ रहे हैं, तो सारे कुछ पता चलता है ब्लड से। तो एनालिसिस का मतलब वही हुआ कि जितना आपका जानकारी कितना इकट्ठा कर रहे हैं उसको एनालिसिस बोलते हैं, क्लियर है। तो अगर पूछेगा आप उसने क्वेश्चन दे दिया कि ये क्वेश्चन दे दिया ये बीम है इस तरह से दे दिया यूबीएल, आप बोलेगा इसका एनालिसिस करने के लिए इसका मतलब क्या क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आर एक्स निकालना है, आर ए वाई निकालना है, आर एक्स, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है बीच में, ये बी है, इसके बाद आर बी वाई, ठीक है। तो एनालिसिस अगर पूछ रहा है इसका मतलब है कि आपको आर एक्स निकालना है व्हाट, आर ए वाई निकालना है व्हाट, आर बी वाई निकालना है व्हाट, इसके बाद ये स्लोप ऐसे इसे झुकना चाहेगा तो यहाँ कितना थीटा बन रहा होगा, यहाँ कितना, यानी थीटा एट ए, थीटा एट ए, यहाँ थीटा बनेगा थीटा एट बी, ये सब यहाँ बीच में यहाँ भी बनेगा थीटा, थीटा एट सी, फिर कितना डिफ्लेक्ट हो गया, समझ ना, तो डिफ्लेक्शन एट सी, सॉरी डेल्टा एट सी, डेल्टा एट ए, डेल्टा एट बी, मतलब डेल्टा मतलब डिफ्लेक्शन, मतलब जब लोड नहीं दिए थे, जब ये नहीं पड़ा था तो उस समय तो सब जीरो रहा हो, मतलब ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं, वो सब हॉरिजॉन्टल रहा होगा, तो यहाँ भी जीरो, ये जीरो जीरो, लेकिन जैसे ही लोड दिए तो सब कुछ चेंज हो गया, सो ये रिएक्शन आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही लोड दिए है ये रिएक्शन आ गया, ये रिएक्शन आ गया, ये रिएक्शन आ गया, समझ में आ ना, रिएक्शन सब आ गया, ये स्लोप बन गया, स्लोप बन गया, डिफ्लेक्शन हो गया, तो जैसे ही लोड दिए तो ये सब पैदा हो गया, तो ये सब पैदा हो गया तो आपको ये निकालना, प्राप्त करने ही कोई बोलते हैं एनालिसिस, क्लियर है। ये सीएस रेड्डी के बुक में वहीं एक लाइन लिखा है, बस एक लाइन लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, कि टू फाइंड एक्सटर्नल रिएक्शंस एंड इंटरनल रिएक्शंस, इंटरनल रिएक्शन इंटरनल लोडेड इज कॉल्ड एनालिसिस। तो एनालिसिस का मतलब होता है कि सारा एक्सटर्नल, हालांकि इंटरनल से एक भी लिखे, सब एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ये भी बाहरी से दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, दिख रहा है, इंटरनल ही होता है जब इसके बीम में घुसते हैं, इसके बीम में घुसते वो होता है इंटरनली, तो अब इंटरनल लिख रहा है, ये एनालिसिस हो रहा है, ये एक्सटर्नली एनालिसिस हो रहा है, लेकिन एनालिसिस का मतलब एक्सटर्नल होता है, इंटरनली होता है। इंटरनल एनालिसिस क्या होगा, जो आप अभी स्ट्रेस पड़ रहे हैं, इंटरनल लोड पर यूनिट एरिया, बोलते हैं इंटरनल लोड ना, तो अगर स्ट्रेस आप निकाल रहे हैं तो वो होगा इंटरनल एनालिसिस, क्लियर है। स्ट्रेस पड़ रहे हैं, स्ट्रेन पड़ रहे हैं, वो इंटरनल लोड के कारण होता है, और स्ट्रेस कब डेवलप होता है, जब एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, इंटरनल डेवलप होता है, क्लियर है। तो उस तरह से आप एनालिसिस करते हैं, तो वही कर रहे हैं, ठीक है, यहां चलते हम लोग। तो बीम क्या है, बीम इज नेचुरली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, बट जब हम एनालिसिस करते हैं तो इसको हम लोग टू डायमेंशनल की तरह मानते हैं, क्या मानते हैं, टू डायमेंशनल के लिए, तो फॉर एनालिसिस टू डायमेंशनल, फॉर एनालिसिस इट इज कंसिडर्ड एज टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। सोचिए, ध्यान देने वाली बात है,
कि जब आप पढ़ते हैं एक्चुअल में होता है थ्री डायमेंशन, आप पढ़ते हैं तो टू डायमेंशन। अब क्यों पढ़ते हैं ऐसे, उसके लिए हम पॉज देते हैं, ठीक है। तो अगर टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और ऑब्वियसली सारा जो स्ट्रक्चर है जैसे बीम है, ये सब स्ट्रक्चर है, क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो सीधा हम लिख दिए कि अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं तो हम लोग मानते हैं क्या है, टू डायमेंशनल की तरह, क्या मानते हैं, टू डायमेंशनल। तो हम जानते हैं कि कंडीशंस फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई बराबर जीरो, और समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्जी बराबर जीरो, ठीक है। ये कहां से आया, ये 2D लिखा है तब, अगर 3D लिखते तो ये नहीं आता, समझ आ रहा ना, ये 2D लिख दिए तो मतलब ये आ गया, 3D लिखते तो तीन होता, देखिए समेशन एफ एक्स बराबर जीरो, एफ वाई बराबर जीरो, एफ जेड बराबर जीरो, फिर एम एक्स बराबर जीरो, एम वाई बराबर जीरो और एम जेड, यानी तीन कंडीशन आता। लेकिन हम एक्चुअल में डायग्राम ड्रॉ करते थ्री डायमेंशन, लेकिन होता हम लोग एनालिसिस करते हैं क्या, टू डायमेंशन की तरह, इसलिए तीन कंडीशन लिखे। तो कितना ये हो गया इक्वेशन, कितना इक्वेशन है जी, बराबर का साइन है, तो कितना हो गया नॉन इक्वेशन, कितना हो गया तीन, नॉन इक्वेशन बराबर कितना हो गया तीन, नॉन इक्वेशन तीन। तो याद रखिएगा, अगर बीम का सवाल है, कोई भी बीम का सवाल रहेगा, सीधे लिखा रहा है बीम, बीम शब्द लिख दिया, मतलब आप समझे तीन हमको अस्त्र शस्त्र हमको मिल गया है, ठीक है। हाँ, जैसे बीम लिख दिया मतलब एक तो हम, हमको पूछना है, ऑर्डर नहीं लेना है, समझ रहे हैं, ये ब्रह्मास्त्र तीर हो गया, समझ रहे हैं, ये हो गया तीर धनुष हो गया, ये गदा हो गया, ये तलवार हो गया, मतलब तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको जिसमें सुविधा इस्तेमाल करें, पहले हो सकता कोई इस्तेमाल करे, कोई ये इस्तेमाल करे, कोई इस्तेमाल करे, हमको बस रंग जीतना है, ठीक है ना। और होता भी है, देखते होंगे पहले अर्जुन सर है, पहले तीर धनुष से देखता है, भीम को भी देखेगा वही तीर धनुष चलाता है, और वो खत्म हो जाता तब गदा पे मारता है, गदा होता तब तलवार, बाएं हाथ लेकर तलवार से लड़ता है, तो तीनों लड़ता है देखेगा। फिर युधिष्ठिर का भी देखे, महाभारत देखे चल रहा होगा ना, उसने पहले तीर धनुष से लड़ेगा, पहले फाइटिंग दूर से, जब वो तो आगे वाला क्या, युधिष्ठिर तो कमजोर है बेचारा, तो तीर धनुष कम आता है, उसको काट देता है, बार उठाएगा काट देगा, कार उठाया काट देगा, समझ रहे हैं, तो फिर मेरा थर्ड उसको काट जाएगा, इसको देखो, ठीक है, उस पर हरा देता है बेचारा। तो कहने का मतलब है उसके पास तीन अस्त्र शस्त्र है, हमारे पास भी तीन अस्त्र है, जब युद्ध के मैदान हमको बीम मिल गया मतलब ये तीनों यूज कर देना है, इसीलिए किसी से परमिशन नहीं लेना है, समझ रहे हैं, किसी से परमिशन, ये तीनों इस्तेमाल कर देंगे, क्लियर है। तो ये इस्तेमाल करेंगे, ये पूरा सिस्टम पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, यही करते होंगे आप, रिएक्शन निकालते होंगे तो सबसे पहले क्या करते हो, समेशन ऑफ एक्स एक्वा जीरो, क्लियर है। हम एक ये एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है ये। लेकिन ये पावर कहां से आया है, ये 2D लिखे तब, अगर 2D नहीं लिखते तो ये आप अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्लियर है ना। तो इसीलिए हम देखिए कहां से टेक्निक का मतलब ला रहे हैं, क्यों सर आप अप्लाई कर रहे हैं, और ये कंडीशन है 2D के, आप 2D का हम कैसे कर दिए, इसलिए 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए पूरा सब क्लियर कर दिए, रियल में 3D स्ट्रक्चर है, एनालिसिस करते हैं तो 2D, जैसे 2D का पावर दिए तो इसको ये मिल गया। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप कोई मंत्री बनते हैं, उसका शपथ दिलाया गया, तो मंत्री बन गया मतलब उसको पूरा इंडिया पे, अगर सेंटर का मंत्री है उसको पूरा इंडिया पे उसका मतलब उस डिपार्टमेंट हो, उसका सबका बाप वो हो, यही ना जी, उसे अब किसी कुछ पूछने की बात नहीं। तो उसी तरह जैसे 2D स्ट्रक्चर कर दिए, इतना चीज को करने के लिए वो वैकेंसी निकाले, रिक्रूटमेंट करे, क्या करने का उसको कोई पूछने वाला नहीं, वो अपना मनमोजी से कर सकता है, समझ रहे हैं, बस आगे वाला को रिपोर्ट सौंप देगा राष्ट्रपति को कि हमने ये किया, बस बात खत्म, क्लियर है। तो जैसे 2D स्ट्रक्चर का मतलब ये आप अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं, लेकिन जब एनालिसिस करते हैं तो 2D लेते हैं, लेकिन हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वो 1D की तरह डायग्राम, देखिए तो ये 2D है डायग्राम की है क्या, डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं तो 1D के लिए करते हैं, मतलब वन डायमेंशनल, ये बीम, क्लियर है। लेकिन हमारे दिमाग में है यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे इसके लिए सवाल बनाएंगे तो 2D के लिए, रियल में 3D है, रियल में 3D है, एनालिसिस कर रहे 2D, लिख रहे हैं डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो 1D के लिए, अब समझ आया, ये हम बोलते हैं क्लियर करेंगे। तो इसका मतलब रियल में क्या था आपका, इसी को क्लियर करना है, ठीक है, कि रियल में जो बीम होगा आपका, रियल में बीम इस तरह से रहा होगा, ठीक है, इस टाइप से कुछ बीम रहा होगा, जो भी है, तो इस टाइप से थ्री डायमेंशनल है,
जब एनालिसिस करते हैं वो टू डायमेंशन की तरह, और जब इसी को हम लोग इस टाइप से डायग्राम ड्रॉ करते हैं या जो भी इस तरह से लेते हैं या इस तरह से कुछ भी लगा देते हैं इस पे लोड देते हैं, तो ये डायग्राम, ये कौन सा डायग्राम है? 1D है। तो एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस का 2D, और ड्रॉ करते हैं तो 1D में। तो ये क्या लिखना पड़ेगा इसका, कि इट इज ड्रॉन और स्केच्ड एज 1D। ड्रॉन मतलब खींचा जाता है या स्केच्ड कैसे एज 1D के लिए, 1D। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमको जब हमको, हालांकि इसी 1D स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइडियलाइज स्ट्रक्चर, ठीक है? तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एक्चुअल स्ट्रक्चर या एक्चुअल बीम कह दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल बीम हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया, आइडियलाइज, आइडियलाइज बीम। क्लियर है? Yes, ये आइडियलाइज बीम हो गया, एक्चुअल बीम हो गया। तो जब हमको यहीं से सब समझ रहे काम करें, तो फालतू क्यों 3D ड्रॉ करेंगे? इसके ऊपर हम क्यों दिखाएंगे कि ऐसे लोड पड़ा है, ऐसे लोड लगा, ऐसे लोड लगा, समझ रहे हैं क्या जरूरत हमको? जब यहीं से काम चल रहा है तो फालतू पता चलेगा, सवाल जितना खत्म कर रहे तो पता चलेगा इसमें बनाने 2 मिनट लग गया। क्लियर है? इसीलिए हम लोग पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको आइडियलाइज स्ट्रक्चर बनाना। इसके एग्जाम्पल बताते हैं, साल में पढ़ाएंगे, रियल में एक्चुअल डायग्राम साल का क्या था, साल का तो उसको अलग अलग किए थे, सिर्फ है सबसे नीचे में सॉइल पार्टिकल डाले, इसका वाटर डाले, इसका एयर डाले, वो अलग अलग सेपरेट किए। क्यों? फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, स्टडी करने के सुविधा के लिए, ठीक है ना, स्टडी के सुविधा के लिए उसे किया गया है। तो उसी तरह स्टडी के सुविधा के लिए किया गया है, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं, ठीक है? तो ये हो गया बीम का, हो गया डेफिनेशन। तो बीम क्या हो गया, ये आपका एक्चुअल में क्या है, 3D है, एनालिसिस करते हैं 2D के लिए, और डायग्राम ड्रॉ करते हैं 1D के लिए करते हैं, ठीक है? अब हम जानना चाहते हैं कि ये किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो बीम है स्ट्रक्चर किस टाइप का। तो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, उससे थोड़ा हम चर्चा करते हैं इंटरनल फोर्सेस क्या होता है, ठीक है ना, अपने आप खुद कॉन्सेप्ट बन जाएगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर पे हम जो लोड देते हैं वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल लोड। हम जो लोड देते हैं क्या होता है, एक्सटर्नल लोड। तो आपको पता होगा कि व्हेन वी अप्लाई लोड एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई लोड एक्सटर्नली ऑन एनी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर या बीम, हम चूंकि यहाँ बीम लिख रहे थे स्ट्रक्चर में हमारा सवाल आ गया, इसलिए बीम स्पेशल लिख दे रहे, बीम भी है, बीम भी तो स्ट्रक्चर है। तो अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, इंटरनली प्रोड्यूस होता है इंटरनल स्ट्रेस होता है, हम लोग लोड देते हैं एक्सटर्नल तो क्या प्रोड्यूस होता है, इंटरनल। देन इट प्रोड्यूसेस, देन इट प्रोड्यूसेस produces internal load to resist external load when body is in equilibrium condition। जब body equilibrium में रहेगा तभी आपका क्या होगा, develop होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि ये body है, आपने लोड इधर से दिया, ये बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में है तो ये हो गया एक्सटर्नल, हो गया EXT हो गया, और ये हो गया आप EXTERNAL। तो इसके अंदर में ये लोड आप दे रहे होंगे, दबा रहे होंगे, दबा रहे होंगे, तो क्या टूट गया, क्या नहीं टूटा, क्यों नहीं टूटा, क्योंकि हमारे जो फोर्स लगा रहे उसको अंदर से रोक रहा है, और जो रोक रहा है तो उस फोर्स का भी कुछ नाम देना पड़ेगा, तो ना वो फोर्स का नाम क्या है, वो इंटरनल फोर्सेस है, ये एक्सटर्नल फोर्स अंदर से हुआ इंटरनल फोर्स। क्लियर है? तो इंटरनल जो फोर्स हो गया और उसी इंटरनल फोर्स का एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस हो जाता है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस हो जाता है। तो कहना चाह रहे हैं कि आप जब एक्सटर्नल लोड देते हैं तो इंटरनल फोर्स कुछ डेवलप होता है, ठीक है, उसी को इंटरनल फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस बोल देते हैं। क्लियर है? तो यानी डेवलप क्या हो जाता है, तो स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस ही क्या काम करता है, एक्सटर्नल फोर्स को जो रोकता है वो क्या होता है, इंटरनल फोर्स, वही क्या है आपका स्ट्रेस, वही क्या है स्ट्रेस।
तो बता रहा है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आप जो भी कुछ लगा रहे हो, इंटरनल फोर्स जनरली तीन तरीका का डेवलप होता है, कितने टाइप का, तीन टाइप का। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा जनरली टाइप्स, टाइप्स ऑफ इंटरनल 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 रिएक्शन या फोर्स, फोर्सेस फोर्सेस प्रोड्यूस्ड डिस्ट आर फॉलोइंग तो ए में प्रोड्यूस होता है एक्सियल, एक्सियल फोर्स डेवलप होगा, क्या होगा एक्सियल फोर्स, इसको पी से डिनोट करेंगे। दूसरा होगा शियर फोर्स, इसको भी से करेंगे, और तीसरा होगा मोमेंट, जिसको आप एम या टी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। मोमेंट फिर दो टाइप का होता है, एक बेंडिंग मोमेंट और दूसरा टॉर्शनल फोर्स। अच्छा इसको बताए थे बर्थन, तो बताए बेंडिंग मोमेंट और ये टॉर्शनल मोमेंट एम, टॉर्शनल है टी, किसी को ट्विस्टिंग हो होते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट हुआ ट्विस्टिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट बेंड करने की टेंडेंसी होगा, इसमें ट्विस्ट करने की टेंडेंसी होगा, घुमाने की टेंडेंसी होगा, रोटेशन की टेंडेंसी होगा, रोटेशन रोटेशन की टेंडेंसी, और ये बेंड करने की टेंडेंसी होगा, ठीक है। खैर ये सब तो अलग कहानी, तो सर साइन कन्वेंशन बताया जाता है, इसका साइन कन्वेंशन बताया जाएगा, इसका साइन कन्वेंशन बताया जाएगा, वो अलग कहानी है। तो हम ये कहना चाहते हैं इतने टाइप का इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, क्लियर है। अब हम आ रहे हैं ये सब टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये बीम कि हमको मतलब बताने के लिए हमको जरूरत पड़ा था। तो सबसे पहले फिर आप बीम पे चलते हैं, ये सब साइड में ही चलना है। तो बीम क्या होगा आपका, कि बीम एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, बीम क्या है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग एनालिसिस के लिए क्या एनालिसिस के लिए कितना कौन सा स्ट्रक्चर मानते हैं टू डायमेंशनल, जब ड्रॉ करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर मानते हैं वन डायमेंशनल, क्लियर है। तो अब यही हम कहना चाह रहे हैं, अब इस सर क्यों बताएं इसे चर्चा कर रहे हैं, ये बताएं क्यों आते हैं। तो बीम जो है आपका सर, इसमें से बीम ये है आपका, ये बीम है। अच्छा कहिएगा सर, आप हमेशा इधर इसे खींच देते हैं, इसे खींच देते हैं, ठीक है। तो चलिए लोड लग रहा है इस पे, यूडीएल लोड लग रहा है, पांच किलो न्यूटन लग रहा है, प्रति मीटर लग रहा है, ये है दो मीटर। सर यहाँ ट्रांसवर्स लोड दे रहे हैं बीम पे, बीम है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, तो इसमें सर ये भी तो एक्सटर्नल हो गया, ये भी तो एक्सटर्नल है, जो ऊपर से देख सब क्या है एक्सटर्नल लोड हो गया, हालांकि इसके है तो एक्सटर्नल, स्पेशल नाम है कि यूडीएल है जो भी चीज है, तो ये एक्सटर्नल लोड लग रहा है, तो सर इस बीम पे लग रहा है, और ये भी तो इक्विलिब्रियम में है, यहाँ तो भी तो डेवलप हुआ होगा सब इंटरनल, ये सारा इंटरनल डेवलप हुआ होगा, बिल्कुल डेवलप हुआ होगा सारा, क्लियर है। इसमें इस बीम में तीनों चीज डेवलप हुआ होगा, क्या क्या डेवलप हुआ होगा, एक्सियल शियर और बेंडिंग, टॉर्शनल भी डेवलप हुआ होगा, ये चारों डेवलप हुआ होगा, क्लियर है। एक्सियल भी डेवलप हुआ होगा, बेंडिंग भी डेवलप हुआ होगा, शियर भी डेवलप हुआ होगा, और टॉर्शनल और बेंडिंग, ये चारों डेवलप हुआ होगा इसमें, क्लियर है। अब बात क्या करते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा, जैसे अभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, समझे, तो अभी बैठे हुए हैं तो आपको नाम नामकरण क्या कहेगा, आपका जातिवाचक समूह क्या, अभी क्या होगा स्टूडेंट विद्यार्थी, सही है, कॉमन नाउन जातिवाचक, आप लोग के लिए स्टूडेंट शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आप ही ऐसा थोड़ी है कि खेलते नहीं है, ग्राउंड में भी जा सकते हैं, तो वहां आपको स्टूडेंट बोला बोले फुटबॉलर या क्रिकेटर, समझे, या स्पोर्ट्समैन की तरह, तो वहां संबोधन आपको हो गया कौन सा कॉमन नाम, जाति वाचक संज्ञा क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ प्लेयर किया जा रहा है, आ? वहां भी तो आप मतलब स्टूडेंट भी है, ऐसा तो नहीं, वहां तो ऐसा नहीं कि वहां गए ए प्लस बी का होल स्क्वायर भूल गए हैं, आप बी एस सी एफ बेंडिंग मोमेंट भूल गए हैं, वहां भी आपको पता है, और यहाँ भी ऐसा नहीं कि आपको स्पोर्ट्स का कुछ नहीं पता है, समझ रहे, ऐसा थोड़ी कि यहाँ है तो डांस हम नहीं कर सकते, यहाँ भी कर सकते डांस कर सकते, लेकिन जब डांस क्लास में उसे डांसर कहलाएंगे, घर में जाएंगे तो उसमें बेटी कहलाएंगे, लेकिन यहाँ तो आप स्टूडेंट हैं, समझ रहे। तो कहने का मतलब है डोमिनेटिंग कौन सा हो गया, आप यहाँ है तो डोमिनेटिंग आपका स्टडी से है, क्लियर है।
जब आप डांस क्लास में आते हो वहां डोमिनेटिंग हाफ में हावी है डांस वाला गुण, समझ रहे, तो उस समय वो भी गुण है लेकिन उसके लोप कर जा रहा, कम हो जा रहा है उसका, समझ रहे, डोमिनेटिंग हो। उसी तरह ये है, ऐसा नहीं हम बोले हैं यहाँ चारों डेवलप हो रहा होगा, ये सब डेवलप हो रहा हो, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है, तो बेंडिंग होता है डोमिनेटिंग, क्लियर है, बेंडिंग, क्यों, क्योंकि जब लोड जैसे झुकेगा, ये झुकने का गुण हो गया, इसका मतलब बेंडिंग, बेंड किया, ऐसा है कि ये यहां से यहां आ गया क्या, इसीलिए वो नहीं आया था, मतलब एक्सियल कम है, एक्सियल सब नहीं है, एक्सियल ज्यादा रहता तो मूवमेंट कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, सीयर ऐसे ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसा तो नहीं है इस तरह से गिन था, इस तरह से ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे टूट गया है, इस तरह से हो गया है, ऐसा सब हो गया क्या, तो ये इसको बोलते हैं सीयर फेल्योर, ये सीयर फेल करता है, ये झुकने का ज्यादा टेंडेंसी है इसमें, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका जहां होगा एक्सियल मतलब 5 किलोन्यूटन होगा, यहाँ ये समझ सकते हैं 50 किलोन्यूटन होगा, और वहां ये हो जाएगा लगभग 100 किलोन्यूटन मीटर होगा, इस तरह से, तो इस दोनों की तुलना में नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे लगभग 10 गुना है, ऐसे 20 गुना है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, समझ रहे ना, लोड को ले, लोड को, हाँ मतलब ये लोड दे रहे हैं उसके तुलना में ये एक्सियल, हालांकि इस केस में एक्सियल का लगभग उतना भी नहीं होगा, मतलब 0.2 इस तरह से होगा, बहुत कम होगा, एक्सियल कम होगा, लेकिन ये इतना सीयर, इसीलिए ऐसा इस दोनों की तुलना इसको नेग्लेक्ट नहीं कर देंगे, समझ रहे हैं हम क्या बोले अभी, कि ये बीम जो ये है स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेंथ मेजरमेंट कर सकते हैं, ब्रेथ भी तो मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन लेंथ के तुलना में ब्रेथ का डायमेंशन कम है, नेग्लेक्ट करते हैं, क्लियर है, इसलिए वन डायमेंशनल बोलते, उसी के इन द सेम वे ये जो बीम है आपका क्या है, ज्यादा मेन चूक किसमें होता है, बेंडिंग में, इसीलिए जब छठा सेमेस्टर में जाएंगे बीम का डिजाइन पढ़ेंगे तो जब बेंडिंग के इसके लिए डिजाइन करेंगे, इसके लिए डिजाइन करेंगे, वो सोमे से कॉन्सेप्ट आता है, समझ में आ रहा है, सोमे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वहां से कॉन्सेप्ट आता है, तो हम लोग डिजाइन बीम का दो ही के लिए डिजाइन करते हैं, किसके लिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए और सीयर फोर्स के लिए, समझ ना, इसी दोनों के लिए डिजाइन हम करते हैं, क्योंकि इस दोनों यही दोनों इंटरनल डेवलप हो रहा है उसको रोकने के लिए हम डिजाइन करेंगे, क्लियर है, तो इसका नामकरण क्या देंगे, कहेंगे ये स्ट्रक्चर क्या है, एक्सियल स्ट्रक्चर है कि सीयर स्ट्रक्चर है कि बेंडिंग स्ट्रक्चर है, बेंडिंग स्ट्रक्चर है, अब समझ में आ गया, तो बेंडिंग का दूसरा नाम होता है फ्लेक्सरल, फ्लेक्सरल, तो कहेंगे बीम का एक और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इतना समझाने के बाद, कि बीम इज ए फ्लेक्सरल मेंबर या बेंडिंग मेंबर, क्लियर है, तो बीम वाला जो पॉइंट सब लिख रहे थे ये सब तो ये देखिए कितना छोटा चीज, इस पे समझाने के लिए हम कितना लंबा चला, एक्सटर्नल इंटरनल, इंटरनल का टाइप फिर एग्जांपल, तब जाके छोटा सलाह में कंक्लूजन निकला कि बीम इज ए फ्लेक्सरल मेंबर, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, वो जब बीम वाला सब लिख रहे थे कि इट इज ए फ्लेक्सरल या बेंडिंग मेंबर, ठीक है, इट इज ए फ्लेक्सरल और बेंडिंग मेंबर, यानी कहने का मतलब बीम क्या है, पूछा जाएगा आपको इंटरव्यू में या वायरस में हम पूछेंगे, समझ रहे कि बीम क्या है आपका, हम बोले दो फ्लेक्सरल मेंबर का नाम बताइए, बीम बेंडिंग मोमेंट का नाम सर बीम है सर, समझ रहे हैं, आप जो बैठे हुए हैं डेस्क बेंच वो भी है, दो दो बीम की तरह काम कर रहा है, दो पैर लगा हुआ है और बीच में बेंडिंग ऐसे होगा, समझ रहे हैं, ऐसे है, तो ये कौन किस टाइप का सपोर्ट है, अच्छा पहले आप जो बैठे हुए हैं कौन किस टाइप का लोड है, आप जो बैठे हुए हैं किस टाइप का लोड है, पॉइंट है एक बिंदु पे डाल रहे हैं, वे क्या करते हैं सुई के नोक बराबर ना उसको चुभो रहे हैं नीचे में, ऐसा करते हैं, कौन सा लोड है, यूडीएल है, एक भित्ता में समझ रहे हैं, तो ऐसे और बैठे होंगे तो वहां आपको समझिए यूडीएल है, ठीक है, हम कहां बोले थे पूरा फैला देना है, हम बोले थे पूरा फैला देना है, हम बोले थे कि छोटा भी एरिया में तो होगा ना, इसलिए एग्जाम्पल हम रखे थे अभी बचा के, ठीक है, तो इतना में आप बैठे हुए हैं तो इतने ही देर में यूडीएल है, समझ रहे, यूनिफॉर्म ऐसा तो नहीं इधर वैसे करके बैठे हुए हैं, इधर दबाए होंगे इधर करके बैठे हुए हैं, समझ रहे, पूरा आराम से बैठे हुए हैं, यूनिफॉर्म ही लग रहा है, तो आपका यूडीएल लोड है, क्लियर है, और उसमें सो जाएंगे तो भी यूडीएल के बराबर रहेगा, समझ रहे, तो आपका यूडीएल लोड हो गया, चलिए टाइप ऑफ लोड हो गया, टाइप ऑफ सपोर्ट क्या हो गया, खड़ा है, समझ रहे, तो ठीक है, ये रोलर नहीं हुआ क्योंकि रोलर का मूवमेंट करते रहा, रोलर नहीं, दोनों साइड पिन टाइप का है, क्लियर है, दोनों है पिन टाइप का सपोर्ट है, ओके, अपने आप ऐसा नहीं घूम रहा जा रहा है ऐसे करके, हल्का लोड दीजिएगा फ्रिक्शन से रोक रहा है, समझ रहे, जैसे आपको पिन सपोर्ट है, उधर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं पिन सपोर्ट में, पिन सपोर्ट ऐसा समझ लीजिए, एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोर्ट का एग्जांपल, हाँ बता रहे हैं कि ऐसे कीजिए कि
जैसे यहाँ आपका है, दूसरे बता, यहाँ कंक्रीट का बना दिए हुए हैं और पोल रहता है, पोल जिसपे स्ट्रीट जो जलाने के लिए स्ट्रीट लाइट के लिए, क्लियर है। वहां देखिएगा नोटिस के नीचे में दो टाइप का रहता है, तो पहले आपका कंक्रीट का बना हुआ रहेगा, उस पे प्लेट डाला रहेगा, देखिएगा ध्यान से प्लेट, और उस प्लेट पे, उस प्लेट पे जो खंभा रहेगा उसका चार ओर होल रहेगा, उसमें नट बोल्ट का होता है, वो पिन है हिंज है कि रोलर है, पिन है हिंज है, हिंज है, वेल्डिंग नहीं किया है, वो पिन सपोर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हिंज में आता है, क्योंकि वो चाहेगा वो घूमना उमना चाहेगा कुछ हाथ निकल कभी भी, जैसे धीरे 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 हो जाएगा घूम जाएगा, लेकिन वो फिस रहता तो टूट जाता लेकिन झुकता नहीं, समझे उसको, लेकिन वेल्डिंग कर देते हैं और यहाँ उस टाइप से कर देते हैं, और भी तो हिंग हिंग बता रहा है कि जैसे पोल है समझे, और पोल में नीचे से चार ओर से इस टाइप से एक एंगल सेक्शन देते हैं, एंगल 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 कैसे होता है, इस टाइप से एंगल होता है, इस टाइप से समझे, एंगल सेक्शन बोल सकते हैं, एंगल सेक्शन, एक कॉपी लीजिएगा, इस टाइप को बोलते हैं एंगल सेक्शन, ठीक है। ये लंबा बहुत सारा लंबा मतलब बहुत लंबा आपका हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड लेंथ होता है, तो इस तरह से रहेगा बना हुआ। अब देखिए कहाँ होगा आपको, कहाँ मिलता है एंगल सेक्शन, सब रेलवे मतलब जंक्शन से पे जाइएगा तो जो आपका एस्बेस्टस ऊपर से डाला रहता है सब एंगल दिया रहता है, समझ रहे, एंगल दिया रहता है, फिर इस तरह से दिया रहेगा आपका वो चैनल दिया रहेगा, व्हाट्सएप में तो व्हाट्सएप में भी रहेगा आपका, समझ रहे, ये उतना ही नहीं, आप नोटिस कीजिएगा जो बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगाते हैं एंगल पे रहता है, पीछे में दो चैनल भी थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा, एंगल पे दिया रहेगा, एंगल रहेगा इस तरह से, और आगे उसको होर्डिंग लगा देगा बहुत सारा बड़ा बड़ा, जहां भी रहेगा सर एंगल पे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं, ओके। फिर इसके बाद जो टावर सा होता है, रिलायंस का टावर है, किसी चीज का टावर है, सब एंगल और चैनल, एंगल चैनल, देखिए चैनल दिया हुआ है, साइड साइड में चैनल दिया हुआ है और बीच बीच में सब एंगल दिया हुआ है, साइड साइड में चैनल दिया हुआ है, पूरा एंगल तक दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो उस स्ट्रक्चर होगा कि ट्रस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, थ्री डायमेंशनल क्या आपका ट्रस है, तो वही कर एंगल दिया हुआ, तो हम कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर था तो उसमें इस टाइप से एंगल दे दिया जाए, समझ नीचे दिया जाए, तो उसको अगर हम लोग उस तरह से करके वेल्डिंग कर दिया जाएगा, वेल्डिंग करेंगे तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि टूटेगा ऊपर टूटेगा लेकिन सपोर्ट से तो नहीं टूटा ना, तो सपोर्ट नहीं टूटा तो फिक्स स्ट्रक्चर हो गया, सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, ऊपर टूट गया तो उसका बीम में प्रॉब्लम है, लेकिन यहां तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हिल तो नहीं रहा, नहीं एक्स डायरेक्शन में जा सकते हैं, नहीं वाई डायरेक्शन में, नहीं जाता, नहीं रोटेशन कुछ नहीं दे सकते, इसका मतलब फिर से स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर है, वो सब हो गया। फिर हम ऐसे कंटिलीवर जो होता है तो वो भी तो एक साइड से फिक्स होता है, हाँ एक साइड से फिक्स होता है, टूटता है तो जब इधर से टूटे, हाँ तो बीम टूटा, सपोर्ट नहीं टूटा ना, हमारा आधार नहीं टूटा ना, सपोर्ट नहीं टूटा, हम टूट गए, हमारे गार्जियन नहीं टूटे ना, समझ रहे हैं, हम टूट गए जो है मेरे से नहीं निकलेगा, लेकिन सपोर्ट तू और पढ़ो और पढ़ा, पापा जी आप कितना भी खर्चा कीजिए हम नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं टूटा, तू टूट गया, समझ रहे हैं, इसीलिए सपोर्ट मजबूत होना चाहिए, बेसिक, समझ रहे हैं, ओके चलिए बात करते हैं। तो हम एक पॉइंट लिखे हैं, इट इज ए लैगरल और बेंडिंग मेंबर, क्लियर है। तो बीम क्या आपका, तो पहला बेंडिंग मेंबर लास्ट में समझ रहे हैं आप, क्या है बेंडिंग मेंबर, बीम हुआ, क्लियर है, और इसीलिए मेरा पूरा कहानी है। तो अब हम लोग बीम समझ गए, बीम का प्रॉपर्टी क्या क्या हो गया, कि बीम इज ए थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जो जनरली हॉरिजॉन्टल होता है, किसी का बना होता है कंक्रीट का, स्टील का, टिम्बर का बना हो सकता है, समझ रहे। इसके बाद बीम का और क्या हो गया, कि उसको एनालिसिस करते हैं तो टू डायमेंशनल की तरह, जब डायग्राम ड्रॉ करते तो वन डायमेंशनल, ठीक है ना, ये चीज हो गया। इसके बाद बीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये फ्लेक्सुरल मेंबर है, फ्लेक्सुरल मेंबर, मेंबर क्यों बोल रहे हैं, असल स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोल रहे हैं, हालांकि स्ट्रक्चर भी है, स्ट्रक्चर भी तो है, लेकिन क्या होता है छोटा छोटा मेंबर से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है, समझ रहे, स्ट्रक्चर नहीं है, हालांकि रियल में बोले तो ये स्ट्रक्चर नहीं, मेंबर है, समझ रहे। जिस तरह हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा पूरा बॉडी बना गया है, सबसे छोटी का है सेल से, सेल से मिलकर टिश्यू बना हुआ है, सेल से मिलकर टिश्यू बना हुआ, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह छोटा छोटा जैसे बिल्डिंग बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो बीम से बनता है, कॉलम से बनता है, स्टेयर से बनता है, समझ रहे हैं, स्टेयर से है, मतलब बहुत सारा स्ट्रक्चर सब है, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलके आपका एक फाइनल स्ट्रक्चर बनता है, तब हम बोलते हैं बिल्डिंग बना। तो बिल्डिंग आपका एक स्ट्रक्चर है, लेकिन बीम एक मेंबर है, कॉलम एक मेंबर है, ठीक है,
कैंटिलीवर से जो सब निकला हुआ है, स्टीयर एक मेंबर हुआ, स्टीयर बनाना पड़ा हमको, समझ रहे ना। तो ये सारा मेंबर हुआ, लिंटेल हुआ, मेंबर हो गया, डीपीसी जो भी मतलब करते हैं वो आपके इस स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर होकर फाइनली सब सॉरी सब छोटी छोटी मेंबर है, और मेंबर से मिलकर हम क्या बना रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब हम आते हैं टाइप ऑफ बीम पे, ठीक है। बीम का इतना इंट्रोडक्शन था। तो बीम का दो टाइप होता है, एक होता है स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम और स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम। स्टैटिकली दूसरा होता है ठीक है। हमारे सिलेबस में ये है, ये नहीं है, डिटरमिनेट नहीं है, ठीक है। अब क्या है दोनों बता दीजिए, बताते हैं। और ये सिलेबस डिप्लोमा में ही नहीं ये नहीं, बीटेक में है, बीटेक में ये है नहीं, डिप्लोमा में देखिए यहाँ दो ब्रांच की लड़ाई है, सिविल और मैकेनिकल का। सिविल में ये है, डिप्लोमा में ठीक है, मैकेनिकल में भी है ये, और उनका बीटेक में भी ये नहीं है। सिविल में बीटेक में पढ़ेंगे लेकिन मैकेनिकल में नहीं घुसते हैं, ठीक है। उनको कॉम्प्लिकेटेड में नहीं घुसाते, वहां तक उनको डिटरमिनेटेड तक है, ठीक है। तो अब हम जानते समझते हैं कि डिटरमिनेट बीम किसको बोलते हैं और इनडिटरमिनेट बीम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए दो टर्म डिफाइन किया था, एक होता है डिग्री ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेशन, ठीक है, एक शब्द होता है डिग्री ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेशन, इनडिटरमिनेशन डिग्री ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेशन, ये एक शब्द डिफाइन होता है जिसका सिंबल होता है अल्फा एस, ठीक है, या डी एस। अगर इसका हाँ चाहिए पहले पे लिख देते हैं क्या होता है, जो होता है नंबर ऑफ नोन इक्वेशन था माइनस नंबर ऑफ अनोन रिएक्शन, ठीक है, ये हो जाता है। तो हम सब का निकाल के बता रहे हैं, अगर अब यहां कंडीशन है इफ अल्फा एस लेस देन जीरो, सबसे पहले आता है हम लोग आते हैं बात करते हैं लेस देन जीरो इक्वल टू जीरो और ग्रेटर देन, यही तीनों कंडीशन हो सकता है। तो अगर ये है इसका मतलब क्या हो गया, हालांकि हम देख लेते हैं यहां देखते हैं हमारे पास चलिए देखते हैं। तो ये अगर स्ट्रक्चर होगा इसका, इसका मतलब क्या हो गया, अगर अल्फा लेस देन जीरो इसका मतलब ये ज्यादा है ये कम है, ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया, इसका मतलब ही हो गया। तो अननोन ज्यादा है, हो सकता है कि अननोन ज्यादा हो जाए चार, और नोन क्या है चार, नहीं बाबू गलती कर दी, अननोन माइनस गलती कर दी, अननोन माइनस नोन नोन अननोन इक्वेशन कर दी, और यह अननोन रिएक्शन, ठीक है ना, ये कर दिया नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन नंबर ऑफ नोन इक्वेशन, ठीक है ना, ये होता है। अब मान के चलिए ये लेस देन जीरो हो गया, लेस देन जीरो इसका मतलब ये ज्यादा हो गया, मतलब इक्वेशन आपको ज्यादा मिल गया, ज्यादा है आपके पास, लेकिन पता है कि टू डायमेंशनल बीम है, इसका मतलब हमेशा थ्री से तीन होगा, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा इसका मतलब हमेशा ये थ्री फिक्स है, टू डायमेंशनल के लिए थ्री फिक्स है सभी के लिए। जब बस हम कुछ देर पहले बोले थे कि बीम शब्द इस्तेमाल कर दिए तो इसका मतलब है कि हमेशा तीन फिक्स, और कौन तीन फिक्स होगा, वही एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स बराबर जीरो, समेशन ऑफ यही सब तो करने के लिए लंबा चौड़ा हम टूटी थ्री सब लिखे हैं, वही सब करने के लिए। लेकिन ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर एक
अगर नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन अगर एक हो तो ये तीन हो तो निगेटिव आ जाए, एक माइनस तीन जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल। अच्छा इसका कुछ कंडीशन हालांकि सिलेबस से पढ़ना नहीं है, ये हो जाएगा अल्फा एस ग्रेटर देन जीरो रहेगा, ठीक है, और ये अल्फा एस बराबर जीरो रहेगा, इसका ये कंडीशन है, इसका ये कंडीशन है, ठीक है, इसका कंडीशन ये है और इसका कंडीशन क्या है ये है, समझ है ना, इसका कंडीशन ये है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे ये बीम है, ठीक है, ये एक बीम है, इसमें इसमें हम अल्फा एस निकालना चाह रहे हैं, अल्फा एस, तो देखते हैं ये लाएगा लोड और ये लोड लाएगा, दोनों रोलर है, दोनों रोलर है, पिक्चर का बीम हो गया, हालांकि कौन सा स्केटिंग की तरह गुरक रहे हैं स्केटिंग हो गया, एक पैर पे खड़ा हो गया, स्केटिंग नहीं आ गई थी, यहाँ यहाँ अपना संदीप खड़ा है, ठीक है, और आगे में स्केटिंग मतलब आगे में एक चक्का है और पीछे में एक चक्का लगा हुआ है, ठीक है ना, क्या स्टेबल स्ट्रक्चर है, हम अंदर से फील भी करते हैं कि स्टेबल नहीं है, बेचारा कभी नहीं रह सकता इसे, ऐसे अगर है जिंदा है आंख जब लगा उठेगा जैसे सोएगा गया, समझ रहे तो इस तरह से हम चलिए हम देखते हैं इसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि अब यह परिभाषा देखिए, नंबर अल्फा एस निकालने के नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, अननोन रिएक्शन कितना है एक और एक दो, दो अननोन रिएक्शन दो, और इक्वेशन नोन कितना है चूंकि बीम है तो तीन हो गया, तो इसका मतलब माइनस वन लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलेंगे कि ये इम्पॉसिबल है, इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है, नॉट एग्जिस्ट, तो नॉट एग्जिस्ट या इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मिनिमम कम से कम तीन चाहिए, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं, ये है आपको अल्फा बताइए, इसमें क्या होगा दो, दो और एक टोटल तीन, इसको अल्फा एस, तो लिखा होगा देखिए नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, अननोन कितना है एक दो तीन, अब याद है अननोन इसलिए शुरू में लिख रहे थे, अब समझ यहाँ से क्या सपोर्ट में अननोन क्यों लिखाए थे, इसलिए हमको कहानी यहाँ से जोड़ना था, तो अननोन एक दो तीन क्या हो गया आर एक्स आर ए वाई और आर डी वाई, तो तीन आर माइनस तीन बराबर जीरो, ठीक है, तो अननोन कितना हो गया तीन एक दो तीन, और नोन तो कह रहे हैं फिक्स है हमेशा तीन जीरो, तो इसको बोलेंगे स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, यही स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, यहाँ इसलिए कंडीशन यही लिख लीजिएगा स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर एस एस डी, ठीक है, एस्थेटिकल डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, क्लियर है, यही लिखना है एस्थेटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, अब अल्फा इज ग्रेटर जीरो यानी एस्थेटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, क्लियर है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल कि अगर ये स्ट्रक्चर इस तरह से है तो अल्फा एस, तो यहाँ एक दो तीन और ये चार, तो रिएक्शन कितना हुआ चार, और ये फिक्स है तीन, तो वन ग्रेटर देन जीरो, तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट, ठीक है, जो आपके सिलेबस में ये नहीं है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो लोग नहीं पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले तो मतलब बीटेक लेवल पे जनरल नहीं करते हैं, हम लोग को भी मतलब यहाँ आपको डिप्लोमा लेवल पे ये भी नहीं है, सिर्फ डिटेल यानी ये भी नहीं पढ़ना है, ये तो खैर पढ़ना क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट तो करता है और बहुत ज्यादा मजबूत भी होता है, डिटरमिनेंटी का वैल्यू इसका जितना बढ़ते जाएगा उतना मजबूत, इसका मतलब मजबूत क्यों होगा, क्योंकि रिएक्शन ज्यादा बढ़ रहा होगा, ये तो फिक्स है, इसका ये बढ़ रहा है, और जितना रिएक्शन बढ़ेगा सपोर्ट आगे सपोर्ट, अभी पापा भी सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मी भी सपोर्ट कर रहे हैं, भैया भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो और मजबूत है, अब हमको हिला लो पापा जब जॉब करते थे पटना पढ़ते थे, मम्मी जॉब करते दिल्ली में पढ़ेंगे, अगर भैया भी तब अमेरिका चल जाएंगे, सपोर्ट समझ आ रहा है, तो सपोर्ट जितना मजबूत रहेगा स्ट्रक्चर उतना ही बढ़िया होगा, हिला नहीं सकता है, इसलिए सपोर्ट ज्यादा, इसीलिए ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर उतना, लेकिन मैंने इसका एनालिसिस आप जितना आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज से आप नहीं कर सकते हैं एनालिसिस, क्लियर है, सिर्फ आपकी औकात यहीं तक है, क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशन नोन है, तीन अननोन है, तीन नोन है, और ये हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं एक्स वाई जेड तीन भरे लीनियर इक्वेशन, थ्री वेरिएबल, तीन अननोन, तीन इक्वेशन, उसको सॉल्व करने का औकात है हमारे, चार वाला नहीं है, भले उसके लिए मैथ में भी पढ़ चुके हैं, मैथ में पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट से पढ़ चुके हैं, क्रैमर्स रूल पढ़ चुके हैं, वहां से एक्स वाई जेड वैल्यू निकालना, उसी तरह एक्स वाई जेड वैल्यू तीन इक्वेशन लिखेंगे, तीनों इक्वेशन से तीन एक्स निकलेगा, आर एक्स निकलेगा, अच्छा आर वाई, ये समझ एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया,
ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से भी निकाल सकते हैं, जहां से भी है एडजॉइंट ए इनवर्स करके एडजॉइंट ऑफ ए वाई मॉड ए, ठीक है, वहां से भी निकाल सकते हैं। फिर उधर आपका जो मेथड था एनएमसीटी में न्यूमेरिकल मेथड में समझ रहे हैं, तो वहां से भी आप कैसे कुछ भी तरह से निकाल सकते, क्लियर है, समझ में आ गया। तो दो टाइप का बीम होगा, एक स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम, दूसरा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम। डिटरमिनेट बीम किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शन और नंबर ऑफ मतलब इक्वेशन सेम रहेगा, और नंबर ऑफ इक्वेशन हमेशा फिक्स होता है, टू डायमेंशन हमेशा तीन ही होगा, यानी तीन से ज्यादा रिएक्शन आ जाएगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमारी औकात है मैक्सिमम तीन तक, मैक्सिमम नहीं मिनिमम मैक्सिमम होने की है, दो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा गिर जाएंगे, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर है। अब जैसे ट्रक होता है, यदि सुने होंगे एक बार कहानी कि ट्रेन है लगभग वो स्टेशन पे रोक दिया था, मतलब और कुछ ड्राइवर उतर गया 10 किलोमीटर चला गया था, हाँ 6-7 दिन पहले घटना है, 6-7 दिन पहले हुआ था कि 6-7 दिन पहले घटना है कि ट्रेन लगभग 10 किलोमीटर ऐसे चला गया, ड्राइवर स्लोपिंग होते होते चला गया, समझे, स्लोपिंग होते होते चला गया, क्यों रोलर था ना, रोलर सपोर्ट था पूरा, कितने चला गया रोकने, क्लियर है, इस तरह से हो गया। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सपोर्ट के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सपोर्ट के आधार पे था ये, ठीक है हाँ। अब क्या है, डिटरमिनेट बीम है उसका भी टाइप था, ठीक है, डिटरमिनेट बीम है, या एक अनदर क्लासिफिकेशन करते हैं, जनरल क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन, तो हर एग्जाम में पूछा जाएगा अदर क्लासिफिकेशन, आपको वो नहीं लिखना है, जो भी बताएंगे टाइप में लिखना है, ये सिर्फ समझने के लिए आगे काम करेगा, ठीक है ना, जो आपके किताब में है वो आपके है टाइप्स ऑफ बीम में। तो पहला सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका शॉर्ट फॉर्म है एस एस बी, हालांकि एस एस सी तो एग्जाम हो जाता है, ठीक है, सी से ज्यादा एग्जाम हो जाता है, एस एस सी भी सपोर्ट है, तो इसका हम लोग देखते हैं, हाँ ध्यान दीजिएगा यार, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ओके, तो इसका देखिएगा डायग्राम, ठीक है, सिंपली सपोर्ट डायग्राम, तो डायग्राम इस तरह से बनाइए, ओके, इस पे लोड, देखिए यहाँ डायग्राम है, इससे ऐसा लोड हो से कोई मतलब नहीं होता, कुछ भी लोड दीजिए, लोड हालांकि लोड से आपको मतलब नहीं होता, यहाँ रिएक्शन से मतलब होता है, आपको ये बहुत कंफ्यूज किया जाता है कि लोड उसका क्या है, लोड उसका कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ लोड को देख रहे हैं, यहाँ ये हम देख रहे हैं सिर्फ रिएक्शन को देख रहे हैं, क्योंकि कोई डिटरमिनेट है या इनडिटरमिनेट कहां से पता चल रहा है, रिएक्शन से लोड लगेगा, लोड का चर्चा ही नहीं की इसमें, अगर डिटरमिनेट कब होगा, जब ये दो होगा या तीन होगा, समझ रहे हैं, तो ये एक है, ये है और ये है, यानी टोटल तीन रहेगा तो क्या कहेंगे, सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्ट मतलब जस्ट सपोर्ट रखा गया, सिंपली सपोर्टेड है, क्लियर है, तो ये हमारा सिंपली सपोर्ट। अब आपको बोलेगा लोड हम क्या देंगे, आपको ऊपर में जो भी कोई लोड देना है, या पॉइंट लोड देना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देना है, यूपीएल देना है, कपल देना है, मोमेंट, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड इस दोनों से पता चलता है, क्लियर है, हालांकि ये भी है सिंपली सपोर्टेड, लेकिन ये क्या है, ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ये डिटरमिनेट है, इसका अल्फा इसका वैल्यू कितना है, जीरो, इसका अल्फा इसका वैल्यू वन है, ठीक है, ये भी वन है, लेकिन ये हमारे क्या है, ये सिलेबस में नहीं है, ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, डिटरमिनेट है, ये भी सिंपली सपोर्टेड है, ये भी सिंपली सपोर्टेड, क्लियर है, तो अगर कुछ सिंपली सपोर्टेड लिखता है तो दिमाग लगाना है कि सर ये हुआ तो होगा, आपको सिलेबस में ही ये पढ़ना है, क्लियर है। अब ये मन हुआ कि सर यहाँ ऐसे दे सकते हैं कि हमेशा तीन दे रहे, आपको मन है बाबू ऐसे दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी हो, समझ रहे, बस ये तीन होना चाहिए, समझ रहे, ये हुआ सिंपली सपोर्ट, जिसमें एक रोलर होगा और एक क्या होगा, हिंज होगा, ठीक है। तो हम दूसरा इसमें ए हो गया, ए हो गया आपका नेम हो गया, नेम हो गया ए में, बी में क्या हो गया, डायग्राम, सी में देखते हैं, ठीक है, हम यहाँ करते हैं डायग्राम, जो भी डायग्राम है, तीसरा में डायग्राम के बाद यहाँ, ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना है, अननोन रिएक्शन, अनोन रिएक्शन कितना है, आर ए एक्स है, आर ए वाई है, आर बी वाई है,
और ये आर ए और ये आर ए वाई है, ठीक है। ये तीनों क्या हो गया आपका, ये तीनों क्या हो गया आपका, ये आर ए एक्स हो गया, ये आर ए वाई हो गया, ये आर बी वाई हो गया, ठीक है। ये जो है अननोन रिएक्शन हो गया, इसका अल्फा एस कितना हो जाएगा, अल्फा एस जीरो, तो तीन माइनस तीन जीरो, ये तीन हो जाएगा, तीनों तीन हो गया। और ये तीन वाला कौन सा हो गया, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। यहाँ से आपका एक तीनों आ गया, ठीक है ना, ये तीनों हो गया आपका। अब बात करते हैं इसको हम लोडिंग क्या दे सकते हैं, कोई भी लोडिंग जो आपकी मर्जी है वो दीजिए, क्लियर है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे, अब हम बात करते हैं थोड़ा ए पे और बी पे चर्चा करते हैं, यहाँ क्या क्या कहानी है, समझ रहे, क्या अननोन, ठीक है अननोन रिएक्शन इतना है, लेकिन टोटल अननोन क्वांटिटी कितना है, और भी इसमें अननोन है, ठीक है। ये सपोर्ट पे ये अननोन है, इतना ही अननोन, और अननोन है, और अननोन क्या है, तो बात करते हैं ABC, ABC, DE, ठीक है, वही डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्या क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है आप, तो ध्यान दीजिएगा, फिर हम बात चर्चा कर रहे हैं। जो फोर्स होता है वो आपको इलोंगेशन देगा, और जो मोमेंट होगा वो रोटेशन देगा, ठीक है। फोर्स होगा वो इलोंगेशन और मोमेंट होगा रोटेशन। तो देखिए यहां से, तो यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम को दो भाग मानते हैं, यहाँ ए है और ये बी है, ठीक है, और ये सी भी है, हाँ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ए पे कितना है, बी पे कितना, सी है, ये ए है, ये बी है, सी, कह रहा सर सी ए क्यों ले रहे, जब बीच में ले रहे, ये सभी तो ले सकते हैं, हाँ बाबू सब ले सकते हैं, ठीक है, हम भी सब बीच में भी ले सकते हैं, लेकिन हम ए बी पे चर्चा करते हैं, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, टोटल डिग्री, तो यहाँ यहाँ ध्यान देना है, ए पे यहाँ कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक, क्या फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशन, आप एक्स वाई को तो रोक दिए, ये नीचे भी जा सकता है, उधर भी नहीं जा सकता है, लेकिन वो तो इसको इस तरह से जूम कर सकते, क्या हो गया बाबू, ये तो दस पे रखा हुआ है, रखा हुआ, अरे इसके साथ ये रोलर है, वो चक्का है, उसको उठा सकते हैं, जैसे साइकिल को समझिए कि जैसे आप ध्यान से देखिएगा, आप साइकिल ठीक कराने गए होंगे, तो पिछले का चक्का को दोनों साइड से लगा घुमाते रहता है, स्टैंड लगा के, और उसको टायर सब टाल सब चेक करते रहता है, करते रहता है, तो उस जगह से उठ नहीं सकता, लेकिन अगले का चक्का देखे उठा देता, कभी कभी उठा देता है, तो यही यहाँ से उठा दिए इसको, इसको तो उठा सकते हैं, तो ये रोटेशन ऐसे हो जाएगा बाबा जी, हो गया ना, ये बीम उठ के ऐसे हो गया, लेकिन आप कहेगा इसको उठा के यहाँ से यहाँ रह सकते, वो नहीं हो सकता है, क्लियर है, वो उठा नहीं सकते हैं आप, तो उस टाइप से हो गया स्ट्रक्चर। तो यानी आप यहाँ रोटेशन दे सकते हैं, मतलब जितना चाहे घुमा सकते हैं, अब ऐसे रखे हैं, नीचे भी घुमा सकते, ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते, लेकिन ये फिक्स हमेशा ही रहेगा, ठीक है। इसका और बहुत पिन, ये पिन सपोर्ट है, पिन के एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दे रहे हैं, जो आप हमेशा आपको याद रखेगा, पिन के एग्जाम्पल, जो पंखा होते हैं आप सिर्फ घुमा सकते हैं, लेकिन ये इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे घुमाइए जगह, अरे केबाड़ी भी तो गेट सब यही करते हैं, घुमाते हैं, ये भी है पिन सपोर्ट, सिर्फ आप घुमा रोटेशन सिर्फ दे सकते हैं, चारों घुमा रहे हैं, चारों घुमा रहे हो, कौन सा हुआ, रोटेशन हो गया, क्लियर है, ओके। तो यहाँ डिग्री ऑफ, तो आप रोटेशन को तो नहीं रोक रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितना फ्री है, यहाँ फ्री क्या, फिट्टा, क्या फ्री है, फिट्टा, उसका नाम देते हैं, तो कौन सा, ये कितना घुमा हो गया, ये फिट्टा, ये रोटेशन हो गया, ठीक है। यहाँ यहाँ कितना फ्री है, यहाँ वर्टिकल तो रोक दिए, लेकिन हॉरिजॉन्टल को नहीं रोक पा रहे हैं, और रोटेशन को, तो यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ तो स्लोप के लिए कह देंगे, यानी रोटेशन ये हो गया, और वर्टिकल भी रोक सकते हैं, इसको बोलेंगे डेल्टा वाई, डेल्टा वाई मतलब ये इलोंगेशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इलोंगेशन नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं रोक सकते हैं, और ये इसको नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये तो इसे होगा आएगा, क्योंकि इसको आप रोक कहां रहे हैं, आप रोक रहे हैं इसको, सिर्फ रोक रहे हैं, देखिए इससे रोकते हैं आर ए एक्स होते हैं, इस ये अगर रिएक्शन लगता तो रुकता ए, आर बी वाई, आर ए वाई लगता इसको रोकता थीटा,
थीटा लिख रहे हैं, सॉरी सॉरी डेल्टा ए, ये क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स डायरेक्शन में है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और एम ए जेड ये होगा थीटा, समझ रहे हैं। अगर ए रहता तो थीटा ए, बी रहता तो थीटा बी, ठीक है, तो एम बी जेड तो क्या होता थीटा बी। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है जिसका मतलब इसको रोक दिया होगा, ये एग्जिस्ट कर इसको रोक दिया हो, ये एग्जिस्ट कर इसको रोक दिया हो, समझ रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये दोनों नहीं होने दे रहा है, लेकिन आप इसको तो नहीं रोक रहे हैं इसलिए तो ये एग्जिस्ट कर गया, इसके बाद यहाँ आप इसको सिर्फ इसको रोक दिए। अच्छा बी वाला हाँ चलिए, तो ए पे सब था और ए पे कहानी था, फिर सर बी पे कहानी होगा उसी तरह होगा, आर बी एक्स डेल्टा एक्स हो जाएगा, आर बी वाई हो जाएगा तो डेल्टा वाई हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा एम बी एक्स, हालांकि एम बी एम बी सर एम बी जेड है ना, हाँ एम बी जेड है तो ये हो जाएगा डेल्टा, चलो वहां पे अच्छा ये लेकिन जी अच्छा ठीक 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 ये के सब कहानी है बी जेड यहाँ हो जाएगा बी जेड, ठीक है हो जाएगा ओके। तो हम कर रहे हैं यहाँ आपके एक के एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं होने दिया होगा, लेकिन ये दोनों तो होगा वो तो इसको तो फिर रोकने वाला है तो, सबको का काम ही होता है रोकना, जो आपके आपको जो दुख हो रहा है जो भी प्रॉब्लम है तो सपोर्ट से वो प्रॉब्लम नहीं होने देगा, ये होता ना सपोर्ट कौन लेगा कि यार हमको तो फैमिली सपोर्ट नहीं है इसीलिए उसके साथ प्रॉब्लम हो जाता है, तो सपोर्ट है उसको मिल रहा है, आए तुमको यार एक्स में टेंशन मत लो, एक्स में घुसने देंगे कभी, एक्स डायरेक्शन में तुमको सॉरी वाई डायरेक्शन में तुमको कभी अंदर में हम नहीं घुसने देंगे, तुम दबाएगा, लेकिन है यही जो सपोर्ट बालू पे जाते हैं तो देखिएगा नहीं रोक पाता घंस जाता है, बालू आपको सपोर्ट नहीं करता है, पानी में नहीं चल पाते क्योंकि वो आर बी वाई नहीं दे पाता है, रिएक्शन नहीं दे पाता इसलिए फंस जाते हैं, इसलिए कर भाई हम नहीं रोक सकते, ठीक है। हाँ तुम तैरना चाहता है तैर सकता, हालांकि तैरने न पानी को एक्स डायरेक्शन में रोकना चाहता है ना वाई डायरेक्शन में, घूमना भी चाहिएगा सब, उसको उतना ताकत ही नहीं, उसमें शियर फोर्स उतना है ही डेवलप नहीं है कि आप रोक सकते हैं, क्लियर है, तो इसीलिए आपको ये सब ठीक है। इसके बाद हम और बात करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ टोटल डिग्री क्या होगा, अच्छा अच्छा डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स ठीक है, तो टोटल डिग्री सुनिए यहाँ बहुत समझने वाली बात है, ये एक ऐसा ये सवाल है इसमें अल्फा एक्स का वैल्यू कितना है जीरो और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है तीन, ठीक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसको इसका सिंबल होगा अल्फा के या डी के, ए डी के बॉस ठीक है, तो यहाँ डी के कितना है तीन, यहाँ टोटल डी के कितना है अल्फा के कितना है तीन है, समझ रहे हैं, टोटल डी के कितना है तीन है, कैसे काउंट कर रहे हैं एक दो तीन, हालांकि इसका एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर अननोन करके, तो हम यहाँ काउंटे कर लिए, समझ रहे हैं, तो डी के भी निकल गया यहाँ से पता चल जाएगा, तो इस तरह ये सिंपली सपोर्टेड का हो गया। इसके बाद और कुछ इसमें इसका और प्रॉपर्टी है, ये हो गया, अब एक दो तीन चार डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब हम लोग और एनालिसिस कर रहे हैं और जा रहे हैं इसको और एनालिसिस कर रहे हैं, सपोर्ट ए पे देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा हम डायग्राम में बाबू यहाँ बना के हम डिटेल में कर दे रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं आर ए पे कहानी, आर ए एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा है, कर रहा है मतलब एग्जिस्ट करना कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, अरे लोड दिएगा जी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, एग्जिस्ट करेगा आर ए वाई एग्जिस्ट करेगा आएगा वैल्यू, समझ रहे एग्जिस्ट करेगा, इसके बाद क्या मोमेंट एट ए जेड ये एग्जिस्ट करेगा नहीं होगा, ये जीरो होगा, मोमेंट जीरो होगा, मोमेंट क्या होगा जीरो, फिक्स रहता है तब ना मोमेंट जीरो होगा, फिक्स कहाँ है, फिक्स रहेगा तब ना मोमेंट जीरो होगा, फिक्स रहेगा तब तो मोमेंट एग्जिस्ट करेगा तभी तो मोमेंट है, तो उसमें लिखे तीन रिएक्शन है, अब देखिए बात आर बी एक्स आर बी वाई और ये हो जाएगा एम बी जेड, हम बता रहे हैं, अब बात यहाँ तो एक यही एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट करता है तो सब जीरो होगा, आप खुद बोल रहे हैं कि ये दोनों एग्जिस्ट कर इसका सब जीरो होगा जो रेस्ट पोर्शन है, तो ये सिर्फ ये एग्जिस्ट करेगा कौन सा होगा बी वाई एग्जिस्ट करेगा ये जीरो, क्लियर है, जो आप खुद कह रहे हैं ये दोनों एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब दूसरा एग्जिस्ट करता है उसका नाम लेते ना शुरू से,
तो बाबू इसलिए तो इसीलिए आर एक्स एग्जिस्ट कर रहा था, आर एक्स एग्जिस्ट कर रहा है यानी ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इस डायरेक्शन में आपका कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए तो डेल्टा एक्स बराबर जीरो हो गया था, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए डेल्टा वाई बराबर जीरो हो गया था, लेकिन ये है ही नहीं, रोटेशन मोमेंट जीरो लग रहा है, तो रोटेशन ये सब सपोर्ट का है ना जी, तो रोटेशन आपको ये रोकने वाला कोई है ही नहीं, रोटेशन क्योंकि यहाँ बेंडिंग मोमेंट लग रहा है जीरो, और जीरो लग रहा है इसका मतलब रोकने वाला कोई है नहीं, इसीलिए ये एग्जिस्ट कर रहा है ना, उल्टा है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा है, बताइए हमको अंदर की ओर सपोर्ट हमको लग रहा है तो क्या मतलब धस सकते हैं, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब ये जीरो हो जाएगा, अब नहीं हो जाएगा जीरो, अभी अगर छलांगो मारेंगे तभी जीरो, क्लियर है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो है तो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसको ये बेचारा ये ऐसे घूमना चाह रहा होगा, ऐसे घूमना चाह रहा होगा, घूमना चाह रहा होगा, इसको रोकने वाला है कहां, ये तो जीरो है, तो इसलिए तो एग्जिस्ट किया, समझ रहे हैं, जो ये जीरो तो एग्जिस्ट करेगा, ये अगर ये जीरो ये अगर कुछ एग्जिस्ट करता तो ये जीरो होता, क्लियर है, फिर यहाँ क्या क्या जीरो होगा, यहाँ क्या होता है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और थीटा हो जाता, बोलिए क्या हो जाता, एग्जिस्ट करेगा, अरे जीरो है ये करेगा, ये एग्जिस्ट कर, ये जीरो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, दे डिग्री ऑफ फ्रीडम एक दो तीन, ये सब बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये बताता है आपको अल्फा यस और ये अल्फा के, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना एक दो तीन एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है, ये सब एग्जिस्ट करेगा, और ये एक दो तीन अल्फा यस, क्लियर है, यहाँ से ठीक है, अब हम बात करते हैं इतना इतने ही कहानी सब में पढ़ना है, तो ये होगा सिर्फ पहला सब टाइप हो गया, कौन सा सिंपली सपोर्टेड बीम एस एस बी, दूसरा टाइप ऑफ लोडिंग होता है, दूसरा टाइप ऑफ लोडिंग क्या हो गया, सिंपल सपोर्ट के बाद डायरेक्ट कैंटिलीवर, अब आते हम लोग कैंटिलीवर पे, नेक्स्ट है दूसरा टाइप ऑफ बीम है कैंटिलीवर, तो सिंपली सपोर्टेड है वो भी क्या स्टैटिकली डिटरमिनेट, अब दूसरा बीम है कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम ठीक है, कैंटिलीवर का एग्जांपल बनाते हैं, ये हो गया ये है, तो देखिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ किए हैं वन डायमेंशनल पे, ये सपोर्ट हुआ, ये फिक्स सपोर्ट है और ये बीम है, क्लियर है, इसमें कितना एग्जिस्ट करेगा तीन, तो आपको आर ए एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, आर ए वाई एग्जिस्ट कर रहा है और एम ए जेड एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर यहां से बताइए ए नंबर में क्या था नेम, नेम तो लिखिए कैंटिलीवर, बी में, बी में क्या लिखा होता डायग्राम, फिर डायग्राम भी हो गया, सी में नंबर ऑफ रिएक्शन अनोन, अनोन रिएक्शन था तो क्या हुआ, अनोन रिएक्शन आर ए एक्स है आर ए वाई है और एम ए जेड है, तो टोटल कितना है तीन, तो अल्फा एक्स का वैल्यू कितना होगा तीन यहाँ से और तीन मतलब जीरो, जीरो मतलब स्टैटिकली डिटरमिनेट, स्टैटिक डिटरमिनेट का सिंबल होता है एस डी और स्टैटिक एस आई, ठीक है एस आई, ठीक है, दो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हुआ, यानी दो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर मिल गया कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड, इसके बाद डी में अल्फा एस हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है अल्फा ए कितना है तीन है, तीन यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ जीरो है, अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, खुद पता चल जाएगा, बोला डायग्राम बनाते हैं अब पता चल जाएगा, यहाँ ये ए है और ये बी है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जीरो ये जीरो ये भी जीरो, यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो कितना हुआ, तो अल्फा ये बी ये अल्फा एस का, अल्फा एस किसका हो गया नंबर ऑफ रिएक्शन के लिए एक दो तीन, अल्फा नंबर ऑफ अननोन माइनस नंबर ऑफ नोन, तो तीन में से तीन जीरो, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ सब जीरो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है देखिए एक दो तीन, तो ये सर यहाँ देखो ये भी इंट नहीं था, दोनों इंट देखना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो यहाँ से तीन, ठीक है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया तीन, आगे समझ में, हाँ ये सी हो गया, तो ये भी खत्म हो गया कैंटिलीवर, और क्या और कुछ था इतना था, नेक्स्ट तीसरा बीम है आपका कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ठीक है,
अच्छा इसका परिभाषित सब कैसे करेंगे जी, परिभाषा क्या है? वन एंड फिक्स मतलब सिंपली सपोर्टर को परिभाषित करना होगा कि एक ऐसा बीम जिसमें एक पिन हो और एक हिंज हो, ठीक है? वो एक रोलर और एक हिंज। अच्छा पिन और क्या बोलते हैं? एक रोलर हो और एक हिंज हो या पिन हो, तो इसको बोलेंगे सिंपली सपोर्टर। इसमें क्या होगा, एक हिंज फिक्स होगा और दूसरा हिंज फ्री, तो इसको बोलते हैं फिक्स हिंज। और इसको बोलते हैं क्रीन, क्रीन बोलते हैं। तो एक ऐसा बीम जिसमें एक बीम फिक्स हो दूसरा एंड फ्री हो, तो उस टाइप के बीम को क्या बोलेंगे? फिक्स बीम बोलेंगे, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बोलेंगे। चलिए तीसरा फिक्स से करते हैं, तीसरा फिक्स बीम। एक ऐसा बीम जिसमें दोनों ही एंड फिक्स हो, दोनों एंड क्या हो? फिक्स हो, हालांकि ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो, इंडिटरमिनेट। तो ये भी फिक्स, तो चलिए यहाँ से नाम हो गया, सिंबल हो गया, नंबर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 6। और यहाँ से ये आर बी एक्स, ये आर डी वाई, ए एम बी जेड। तो यहाँ तीन और जोड़ देंगे, ये तीनों लिख देंगे, ये तीनों लिख दिए, तो टोटल कितना हो गया? 6। टोटल कितना हो गया? 6। तो नंबर ऑफ यहाँ डिटरमिनेंसी अल्फा, तो टोटल 6, 6 में से 3 घटा दीजिए, 3, तो यानी एस आई अल्फा, ये इंडिटरमिनेट। कितना डिग्री से इंडिटरमिनेट? 3 डिग्री से, तो डिग्री है ना, जितना यहाँ ये कितना होगा अल्फा की कितना होगा देखते हैं। तो हाँ ये एग्जिस्ट, ये 0 0 0 0, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट, ये सब 0 0 0 0, तो अल्फा के 0, क्यों? क्योंकि यहाँ सब 0। तो ये आपके सिलेबस में नहीं, ये सब पढ़ना। 6-6 रिएक्शन कहाँ से निकालेंगे? हमारी औकात 3 तक है, 6-6 है, हमारे 3 इक्वेशन लिख देंगे, लेकिन हमको 6 इक्वेशन चाहिए। अनोन 6 है, तो इक्वेशन कितना चाहिए हमको? 6 चाहिए। अच्छे को हम सॉल्व ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी औकात है 3 तक, इसीलिए आप जो लेवल है उस लेवल पे नहीं सॉल्व करते हैं 6 तक, क्लियर है? इसीलिए हमारे सिलेबस में है। तो तीसरा हो गया फिक्स बीम हो गया, तीसरा था। चौथा हम लिखते हैं क्या है? कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं ऐसा बीम जिसमें सपोर्ट दो या दो से अधिक हो, नहीं दो या दो से नहीं, दो से अधिक हो, दो से अधिक हो, हाँ दो से अधिक होना चाहिए सपोर्ट। सपोर्ट सपोर्ट कुछ भी हो सकता है, रोलर हो सकता है, पिन हो सकता है, समझ रहे, कुछ भी हो सकता है। जैसे तो नाम हो गया, सिंबल हो गया, जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम दो से अधिक है, ये कंटिन्यूअस हो गया, ये सब कंटिन्यूस हो गया, क्योंकि दो से अधिक सपोर्ट है, मतलब दो से अधिक कुछ भी कर दीजिए आपको मन होगा। हाँ लेकिन एक बात ध्यान है, बीच में आप पिन नहीं देंगे, कहते हैं ये पिन वाला है, बीच में कैसे देंगे? तो पिन आप यहाँ दे सकते हैं, समझ ना, तो बीच में आप नहीं देंगे, रोलर देंगे। तो चलिए हमें अच्छा पिन दिए हमने, हालांकि हम सब काम इसे स्ट्रक्चर पे करते हैं, ठीक है? तो बहुत सारा हो सकता है, इसमें एक नहीं बहुत सारा है, हालांकि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन एक फेलियर तो भाग जाएगा। यहाँ के स्टेडियम डिटरमिनेट लग रहा है, ये तो 3 लग रहा है, ये सेल डिटरमिनेट है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस टाइम का हाल हो जाएगा। चलिए तो इसमें हम मेथड बता चुके, पार्टिकुलर एक तो है नहीं कि हम ये सब लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से काउंट कर लीजिएगा, बस समझ दो या दो से अधिक रहेगा उसको, कोई भी डायग्राम, कुछ भी एक डायग्राम बना लीजिए, जो भी मन करे, बस ये रोलर का भी, उसमें एक ही रोलर, एक रोलर बीच में कहीं डाल सकते हैं, ऐसा दोनों एंड पे पिन दीजिए, एक फिक्स कर दीजिए, कुछ भी दीजिए चलेगा, ठीक है? रोलर हमेशा बीच में, रोलर एंड पे भी दे सकते हैं, लेकिन बीच में रोलर के अलावा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? चौथा बीम हो जाएगा कंटिन्यूस, ओवर हैंगिंग। ओवर हैंगिंग में दो टाइप का होता है, एक सिंगल ओवर हैंगिंग, एक डबल ओवर हैंगिंग, ठीक है? एक सिंगल ओवर हैंगिंग, सिंगल ओवर हैंगिंग, ओवर हैंग मतलब होता है लटका हुआ, तो मान लीजिए सबको ले रहे हैं, इधर से लटका दिए, सिंगल ओवर हैंगिंग। और डबल ओवर हैंगिंग मतलब दोनों और लटका दिए, दोनों लटका दिए, समझ ना, यह हुआ डबल ओवर हैंगिंग। डबल ओवर हैंगिंग ठीक है, सिंगल ओवर दोनों साइड लटका दिए, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो पढ़ाते हैं, और इसका प्रॉपर्टी और फिक्स जो भी लिखे थे कंटिन्यूस का प्रॉपर्टी समझ लीजिए क्या है। देखिए ये सिलेबस में आपका है, क्योंकि यही तो अल्फा 0 है, 2 1 3 2 1 3
तीन तीन वाला ये सिलेबस में है आपका, तो समझना पड़ेगा इसको कैसे होगा, इसका पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया इसमें, अल्फा एस बोलिए जीरो, दो और तीन माइनस तीन, इसमें भी अल्फा एस बराबर तीन माइनस तीन बराबर जीरो, यानी स्टैटिकली डिटरमिनेट, स्टैटिकली डिटरमिनेट। ठीक है, यहाँ क्या बेंडिंग मोमेंट जीरो, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो, बेंडिंग मोमेंट जीरो, सॉरी ये अंदर में बेंडिंग मोमेंट बाबू जीरो नहीं होगा, यहाँ जीरो होगा, इंड पे जीरो नहीं होता, यहाँ बेंडिंग मोमेंट यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ बेंडिंग मोमेंट कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो, यहाँ बेंडिंग मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो, क्लियर है। एंड पे यार बेंडिंग मोमेंट कहाँ कहाँ जीरो होता है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो, यहाँ बेंडिंग अंदर वाला पे कभी नहीं जीरो, जबकि ये रहता है सिंपली सपोर्टेड, तो यहाँ भी बेंडिंग मोमेंट जीरो, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो, लिखे थे लेकिन बीच वाला है इसलिए अंदर वाला, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जीरो, तो एंड पे बेंडिंग मोमेंट यहाँ यहाँ जीरो, आप डायग्राम भी बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो यहाँ यहाँ आपका जीरो बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ यहाँ जीरो होगा, बीच में जीरो नहीं होगा, क्लियर है। तो इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर हो गया, सबसे खत्म हो गया, ठीक है। कैंटिलीवर का स्पेलिंग पढ़ लिख चुके देख लिया, तो ये हो गया आपका प्रॉप कैंटिलीवर, ठीक है, प्रॉप कैंटिलीवर। तो ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, क्यों तो देख लेते हैं कितना होगा, एक दो तीन और एक चार, तो अल्फा एस कितना हो गया, चार माइनस तीन बराबर वन ग्रेटर देन जीरो, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट हो गया। तो यहाँ आर ए एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, आर ए वाई एग्जिस्ट कर रहा है, मोमेंट ए जेड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ आर ए एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जीरो है, आर ए वाई एग्जिस्ट कर रहा है और आर मोमेंट ए जेड एग्जिस्ट नहीं कर रहा जीरो है, तो यहाँ एक और तीन चार, ठीक है, यहाँ एल्टा जीरो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये सब जीरो हो जाएगा है, ये हो जाएगा आपका आर डेल्टा एक्स जी, ये एग्जिस्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा जीरो, और ये डेल्टा बी एग्जिस्ट करेगा, एक दो चार बने दो, ये अल्फा अल्फा के कितना हो गया, एक दो और कितना, ये भी जीरो ना, यहाँ दो हो गया, अल्फा के दो हो गया और अल्फा एस वन अल्फा के, ठीक है ना। ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके प्रॉप कैंटिलीवर का बताइए यहाँ रिएक्शन कितना होगा, यहाँ रिएक्शन कितना होगा, या इसका अल्फा एस कितना है, अल्फा एस वन पूछ चुका है क्वेश्चन जी, ठीक है ना। तो इस तरह से पूरा पता होगा।